हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते होंगे कि प्लांट्स लगाना किसको पसंद नहीं होता है। आजकल 90% लोगों को प्लांट्स लगाना पसंद होता है, मगर ये है कि मतलब प्लांट्स लगाना तरीका आना चाहिए। आज आपको मैं आपको एक प्लांट्स को घने करने का तरीका, क्योंकि प्लांट्स जब भी कभी कभी प्लांट्स ऐसे कोई कोई प्लांट इस तरीके के होते हैं कि वो पतले पतले खड़े हो जाते हैं सीधे, उनको देखने में बड़े भद्दे से लगते हैं। आज मैं आपको प्लांट्स को एक घना करने का तरीका बताती हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरा प्लांट्स बिल्कुल एक डाली का मतलब पतला पतला सा ऐसे बढ़ रहा था, ऐसे सीधा खड़ा था, एक जैसे ऐसे पतली डाली सीधी सीधी खड़ी थी। अब देखिए आपके सामने ये प्लांट्स कितना घना हो गया है। मैंने क्या किया है इस प्लांट्स को, जैसे कि ये लंबा लंबा घना हो रहा था, इस तरीके से इसकी डंडी काट के और यहाँ लगाती चली गई, जहाँ जहाँ जगह खाली मिली मैंने डंडी तोड़ के और पत्ते नीचे के पत्ते गिरा के इसके तोड़ के और डंडी लगा दी यहाँ पर। कई डंडियाँ मैंने इसी तरीके से लगा दी जगह जगह। ऊपर से जो लंबा होता गया उसी को मैंने तोड़ के यहीं लगाती गई। और देखिए आपके सामने केवल एक डंडी वाला प्लांट खड़ा था, और अब आप देखिए कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये प्लांट। इतना घना, इतना हरा भरा, बहुत ही प्यारा लगता है। जो भी देखता है ये कहता है कि आपने कैसे घना किया, हमारा तो लंबा लंबा खड़ा है, हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आपको जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ वही मैं तरीका सबको बताती हूँ कि इस तरीके से जो भी डंडी ऊपर जा रही है अकेली उसको तोड़ के और यहाँ खाली मिट्टी में लगा दीजिए जगह जगह। अब वो सीधा सीधा एकदम ग्रो करता है प्लांट से एकदम। इस तरीके से देखिए एक प्लांट कितना घना हो गया। और एक आप मन देखिए प्लांट भी मैंने बिल्कुल भी, ये मैंने घर का होममेड इसका वो बनाया है जिससे गुलाई में बढ़ती रहे। इसी तरीके से मैंने इस मनी प्लांट को भी किया। जैसे इसका कोई भी पत्ता पीला हो जाता था तो मैं तोड़ के इस जगह से तोड़ के और नीचे मिट्टी में दबा देती थी, और जिस जगह से टूटता था वो पत्ता उसी जगह से दो रूट से निकल जाती थी। उसी तरीके से पूरी घनी हो गई मनी प्लांट मेरी, काफ़ी घनी हो गई, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लगे हुए इसको। मैंने अभी फिलहाल ही लगाया है, उसके बाद भी देखिए आप कितनी जगह से रूट्स निकल गई, ये निकल रही है और एक इधर निकल रही है, कई जगह से रूट्स एक इधर ये निकल रही है, देखिए एक ये निकल रही है, कई जगह से इसकी डालियाँ निकल रही हैं। और ये प्लांट देखिए कितना हरा भरा हो गया है, पहले बिल्कुल एक उसकी केवल एक डाली की प्लांट थी, अब देखिए कितनी जगह से इसकी डालियाँ निकल रही हैं, देखिए कितना हरा भरा प्लांट हो गया। और वो मैंने होममेड बनाया है बोरी को, उस बोरी को कवर करके एक पाइप में उसके ऊपर से ऐसे डोरी से बांध दिया है कस के, और उसके ऊपर हमने ये जब बिल्कुल खड़ा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसी एक ये प्लांट है, ये प्लांट मेरा ज़्यादा ऊपर ही ऊपर बढ़ रहा था, वो लंबी लंबी सी डंडी बढ़ रही थी। अभी तुलसी का पौधा है, लंबी लंबी डंडी बढ़ रही थी। अभी मैंने कल ही इसको ऊपर से जो होती है रूट्स इसको तोड़ के और हटा दिया है, इसमें से मैंने तोड़ के तभी ये समझ लीजिए, दो दिन बाद ही इसकी देखी वो निकल गई थी। दो दिन बाद ही इसकी नए डालियाँ निकलने लगी। इस तरीके से देखिए घना, देखिए ये कलियाँ फूट रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए इसको भी मैंने इस तरीके से कर दिया, तभी दो दिन बाद से ही इसमें देखिए ये अब इस तरीके से ये निकल के इसको पेड़ को खूब घना कर बना देंगे। अभी देखिए ये लंबी लंबी एक डाली सी हो रही है, अब कुछ दिन बाद मैं आपको दिखाऊँगी ये खूब घना हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप बढ़ता है उसका बीच का ये जो बीच का हिस्सा होता है, छोटे छोटे पत्ते जो निकलते हैं
उसको तोड़ दीजिए तो नीचे से ये खूब घना घना होता चला जाएगा धीरे धीरे। देखिए अभी मैंने 2 दिन पहले ही तोड़ा है, उसके बाद देखिए आप कितना ये नए नए इसमें इस निकल गए हैं। देखिए पत्ते नई नई डालियाँ उसी में अंदर ही, मतलब लंबा होने की बजाय वो घना होगा। देखिए 2 दिन हुए हैं मुझे तोड़े हुए, विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को भी बहुत आश्चर्य हो रहा था। अब ये देखिए कितना घना हो जाएगा मेरा तुलसी का पौधा। मैं ज़्यादा प्लांट लगा नहीं पाती क्योंकि यहाँ बंदर बहुत आते हैं। मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है प्लांट्स लगाने का, मगर बंदर सारे ख़राब कर देते हैं, फाड़ फाड़ के डाल देते हैं। जगह भी नहीं है कोई खास इसी। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।